भाई और बहनों, नेताजी सुभाष ओडिशा में पैदा हुए, बंगाल ने उन्हें शिक्षा दी, उनका मार्गदर्शन किया, लेकिन उनकी पहचान भारत मां के सपूत के तौर पर है। जब अंग्रेजों ने हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश की थी तो नेताजी सुभाष बाबू ने कहा था, भारत एक है और हर भारतीय की आशाएं आकांक्षाएं एक जैसी है। आज बहुत पीड़ा होती है जब नेताजी की सोच के बजाय तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी बोयरा गोतो की बात करती है। ये नेताजी का भी अपमान है और देश के संविधान का भी अपमान है। त्रिपुरा में, असम में, मणिपुर में, जहां जहां भाजपा की सरकारें बनी तो मुख्यमंत्री भी वहीं के होते हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही होगा। 2 मई को बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के बाद इसी धरती की संतान बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करेगा। तो फिर ए राग के नदीदी, 10 साल तक आपको बंगाल ने सेवा का मौका दिया, फिर यही राग केनो दीदी, आपने बंगाल के लोगों की आशाएं उम्मीदें तोड़ दी, फिर यही राग केनो दीदी, आपने हर सरकारी योजना को कट मनी और सिंडिकेट के हवाले कर दिया, फिर यही राग केनो दीदी, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद, उनका परिवार उजाड़ने के बाद, फिर यही राग केनो दीदी, गरीब के चावल से लेकर गाड़ी तक, दुकान से लेकर मकान तक, हर जगह तोलाबाजी का, सिंडिकेट का राज चलाने के बाद यही राग केनो दीदी, बालू घोटाला, कोयला घोटाला, भर्ती घोटाला, अम्फान राहत लूट, ऐसे अनेक घोटालों का ढेर लगने के बाद ये राग केनो दीदी, ममता दीदी आप भले ही खुद को कुल मानती है लेकिन आपके हाव भाव से पश्चिम बंगाल का मूड पता चल रहा है। दीदी छप्पा वोट है, छप्पा वोट, ये छप्पा वोट का मौका नहीं मिल रहा तो आप चुनाव आयोग को गाली दे रही है, सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही है। याद करिए दीदी, 10 साल पहले आप इन्हीं सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कितना भरोसा करती थी, इसी चुनाव आयोग ने, इन्हीं सुरक्षा बलों ने, इसी ईवीएम ने आपको 10 साल बंगाल की सेवा करने में आपको अच्छे लगे। दीदी आप बंगाल की जनता पर विश्वास करिए,
ये बंगाल की जनता अपना निर्णय दे चुकी है, ये तय हो गया है कि आपको अब टाटा मार कंपनी यानी टीएमसी सहित नबन्ना छोड़कर जाना पड़ेगा।